हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स में इट सिम्पल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर ट्वेल्थ ऑफ अप्रैल 2023 12 अप्रैल 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे शुरू करेंगे सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट मंगेर फ्रेंड्स एज वेल पहला सवाल आप देख सकते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डीएनए एंड आरएनए तो डीएनए और आरएनए के बीच में कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं आपको बता रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट कह रहा है न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डी ऑक्सी राइबो राइबोज इज कॉल्ड डी एन ए कंटेनिंग राइबोज इज कॉल्ड आर दूसरा स्टेटमेंट है बोथ डी एंड आर एन ए कंटेन एडेनाइन गुआनाइन थामीन एंड साइटोसिन तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ डी इज़ अ डबल स्ट्रैंड हेलिक्स वेयर एज आर एन एज अ सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं ऑप्शन वन टू वन थ्री टू थ्री या वन टू थ्री लेट मी टेल यू द आंसर ना तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज़ वन एंड थ्री देखो दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्यों गलत है क्योंकि आप सबको पता है कि डी uh, में जो आप देखेंगे डी एन में डी एन में आपका ये तो हो जाएगा एडी नाइन गुआ एंड थायमिन लेकिन जो आर है उसमें ये साइटोसाइन नहीं हो, ये थायमिन uh, नहीं होता है ना थायामीन डीएनए में होता है और यूरासिल आरएनए में होता है तो डिफरेंस ये है कि थायमिन केवल डीएनए में होता है और उसकी जगह आरएनए में यूरासिल होता है यूरासिल तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा इस कारण से ठीक है ना दूसरे सवाल पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज़ लाइकली टू इंक्रीज द टैक्सेशन बेस इन इंडिया इनमें से कौन सी चीज़ें की जाएंगी तो टैक्सेशन बेस बढ़ेगा आपको बताना है पहला चीज़ देखो ब्रिंगिंग एग्रीकल्चर इनकम इन टू द परवी ऑफ इनकम टैक्स दूसरा है प्रमोटिंग कैशलेस ट्रांजेक्शन्स तीसरा है इनक्रेजिंग ऑनटरप्रीनियल एक्टिविटीज़ तो आपको बताना है कि इनमें से क्या चीज़ें हम करें कि टैक्स बेस बढ़ेगा अब देखो कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा कि करके हम आंसर करें इसका तो देखो इसका पहला स्टेटमेंट कि एग्रीकल्चर को अगर हम टैक्स परव्यू के अंदर ला, ला, लाएंगे तो टैक्स बेस बढ़ेगा कि नहीं यस yes, टैक्स बेस बढ़ेगा टैक्स बेस मतलब कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके नंबर बढ़ जाए तो सी बात है अगर एग्रीकल्चरल इनकम को हम डाल देंगे तो बहुत सारे एग्रीकल्चरलिस्ट आ जाएंगे तो ये बढ़ जाएगा दूसरा है प्रमोटिंग कैशलेस ट्रांजेक्शन तो यस कैशलेस ट्रांजेक्शन अगर बढ़ेंगे तो भी आपका टैक्स बेस बढ़ेगा क्यों क्योंकि अभी क्या होता है बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जो जिसमें टैक्स लगना चाहिए उसमें आप कैश दे देते हैं बिना रसीद के और उसमें टैक्स बचा लेते हैं लेकिन जब कैशलेस ट्रांजैक्शंस होंगे तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन डिजिटल हो जाएंगे और जब डिजिटल ट्रांजेक्शन होंगे तो ऑब्वियस बात है टैक्सेशन हो जाएगा ना तो वो रिकॉर्ड आ जाएगा तो बढ़ जाएगा तीसरा लिख रहा है इनकरेजिंग ऑनटरप्रीनियल एक्टिविटीज तो यस yes, इससे भी टैक्स बेस बढ़ेगा अगर आप ऑनटरप्रीनियर एक्टिविटीज बढ़ाएंगे तो स्टार्टअप्स बढ़ेंगे स्टार्टअप्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ेंगी कंपनीज बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली वाला टैक्स बेस बढ़ेगा धीरे धीरे तो ये yes, इसके तीनों ही सही हैं आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल तीसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैरिफ नॉन टैरिफ मेजर इनमें से कौन सा नॉन टैरिफ मेजर नहीं है ठीक है ना विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैरिफ मेजर अब पहला लिख, लिखा है लिखा है ए इम्पोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर बी लिखा है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड तीसरा लिखा है फाइटो सैनिटरी रिस्ट्रिक्शंस या डी लिखा है ऑल ऑफ नॉन टैरिफ मेजर्स ठीक है ना तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी ऑल ऑफ नॉन टैरिफ मेजर्स देखो टैरिफ नॉन टैरिफ क्या होता है एक्चुअली डब्ल्यू टी ओ में रिस्ट्रिक्शंस बताई गई कि एक कंट्री क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाती है तो कई कंट्रीज टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं जैसे इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को टच करती है। और कहीं कहीं हैं और कई कंपनीज कई कंट्रीज़ का है नॉन टैरिफ मतलब कि जैसे इंपोर्ट लाइसेंसिंग के प्रोसीजर को टफ कर दिया तो अब आप इंपोर्ट लाइसेंसिंग का प्रोसीजर ही टफ़ कर दोगे तो इम्पोर्ट लाइसेंस ही नहीं मिल पाएगा कई कंट्रीज टेक्निकल बैरियर्स लगा देती हैं टेक्निकलिटी में फंसा देती हैं कई कंट्रीज़ फाइटो सैनिटरी रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं मतलब मान लो आपके यहाँ से आम आए तो मैंने बोला कि आपके आम की क्वालिटी सही नहीं है जो कि हेल्थ के लिए गलत है तो यहाँ पर मैंने कोई इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई आपके माल को मैंने कहा कि ये हेल्थ uh, के लिए सही नहीं है ये प्लांट और ये वेराइटी इस कारण से हम उसको नहीं ले सकते ये सब नॉन टैरिफ मेजर्स हैं जिसमें पैसा नहीं होता लेकिन ये एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन का काम करते हैं आगे न्यूज एनालिसिस पे आते हैं पहली जो न्यूज देखेंगे वो है अरुणाचल प्रदेश Uh, एक आप सबको पता है कि इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडिया का एंड इट इज़ नोन फॉर रिच बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी अब यहाँ पे एक ट्राइब का नाम आया था ईदू मिशमी ट्राइब तो ईदू मिशमी ट्राइब अगर आपसे कोई पूछे किस स्टेट में लाई करती हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश में लाई करती हैं ईदू मिशमी ट्राइब अब ये ट्राइब रिसेंटली अभी प्रोटेस्ट होल्ड कर रही थी क्यों होल्ड कर रही थी प्रोटेस्ट क्योंकि दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको टाइगर रिजर्व बनाने की बात प्रपोज की जा रही है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाने की बात प्रपोज़ की जा रही थी इस कारण से ईदू उ मिशमी ट्राइब प्रोटेस्ट कर रही थी इनका प्रोटेस्ट करने का रीज़न ये था कि अगर इसको टाइगर रिजर्व बना दिया जाएगा तो जो नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बढ़ जाएंगी एंड ये जो ईदू मिशमी ट्राइब का एरिया है जो लाइवलीहुड ऑन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं ये अफेक्ट हो जाएगा एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस ऑर्डर ऑफ दिस प्रपोजल ऑफ मेकिंग दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व आई होप यू गॉट क्लैरिटी चौमन टाइगर रिजर्व है रिसेंटली अगर आपको पता हो तो आपके लिए एक छोटा सा सवाल है कि गुरु घासीदास टाइगर रिज़र्व कहाँ पर है अगर आप मुझे बताएं तामोर पिंगला कहाँ पर है अगर आप मुझे बता, बता सकें तो बहुत अच्छा होगा दो मैं आपको दे रहा हूँ गुरु घासीदास और तामोर पिंगला प्लीज़ डू आंसर में द कमेंट सेक्शन में दूसरी न्यूज़ पे आते हैं ज्यूस मिशन जूस मिशन जे यू आई सी ई जूस मिशन क्या है द जुपिटर आई सी मून्स एक्सप्लोरर मिशन याद रखिएगा जुपिटर आई सी मून्स एक्सप्लोरर मिशन न्यूज़ में था ये किसका मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है इट इज़ सेट टू लॉन्च ऑन अप्रैल 13 2023 फ्रॉम यूरोपियन स्पेस पोर्ट इन काउरू फ्रेंच गिनी तो फ्रेंच गिनी यूरोपियन स्पेस पोर्ट काउरू वहां से ये लॉन्च होगा जूस मिशन याद रखेगा द जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है प्राइमरी फोकस जो रहेगा जीवस मिशन का वो है बेसिकली कि जो जुपिटर सिस्टम है जुपिटर के जो मून हैं जैसे गनीमेड हो गया यूरोपा हो गया उनके पोटेंशियल हैबिटेट को अंडरस्टैंड करना समझना इसमें कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ओशन लेटेक्शन ऑफ प्यूटेटिव ऑफ सर्फेस वाटर रिजर्वर्स टोपोग्राफिकल जियोलॉजिकल एंड कॉस्मो कंपोजिशनल मैपिंग ऑफ द सर्फेस है ना पूरे गनीमेड मेड जो मून है इनका उसकी पूरी मैपिंग करना सारी चीज़ें करना स्टडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आईसी क्रस्ट आईसी क्रस्ट की फिजिकल स्टडी करना है ना तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर विच हैव बीन प्रपोज्ड अंडर दिस जूस मिशन एंड सेम गोज टू द यूरोपा मून आल्सो यूरोपा में जाकर के भी यही सारी स्टडीज़ वो करेंगे तो ये आपको जूस मिशन के बारे में याद रखना है यूरोपियन स्पेस एजेंसी फ्रंट पेज की न्यूज है डेटा प्रोटेक्शन बिल इन द मानसून सीजन अब नया द यूनियन गवर्नमेंट बेसिकली उसने इन्फॉर्म किया है सुप्रीम कोर्ट को दैट अ न्यू लॉ जिसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 जो कि इन्फोर्स करेगा इंडिविजुअल्स प्राइवेसी इन द ऑनलाइन स्पेस वाज रेडी तो सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है गवर्नमेंट ने दैट डेटा प्रोटेक्शन बिल टू थाउजेंड नाम है क्या डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 जो कि इन्फोर्स करेगा इंडिविजुअल प्राइवेसी को ऑनलाइन स्पेस में वो रेडी है एंड दिस न्यू बिल विल बी टेबल्ड इन द मॉनसून सेशन मतलब जुलाई वाले सेशन में ये टेबल किया जाएगा ठीक है ना तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट आई होप यू गॉट कैल्टी अब जो नया बिल है इफ़ पास्ड बाय द पार्लियामेंट अगर ये नया बिल पास हो जाता है अभी पूरे डिटेल्स तो नहीं है जब टेबल ही नहीं हुआ तो डिटेल्स कहाँ से आएंगे तो जो नया बिल है अगर पास हो जाता है पार्लियामेंट के द्वारा तो ये रिप्लेस करेगा अभी प्रेजेंटली जो चल रहा है इन इंफॉर्मेशन Uh, technology, reasonable security practices and procedures, and sensitive personal data or information rules. 2011 के ठीक है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन रूल्स 2011 ठीक है इसको रिप्लेस कर देगा एंड uh, एक और चीज़ आपको पता होगी कि, कि सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट इन टू थाउजेंड के एस पुट्टास्वामी केस आप सब जानते होंगे एंड उसी में उन्होंने कहा था कि देर इज अ नीड टू प्रोटेक्ट ऑनलाइन पर्सनल डेटा फ्रॉम द प्राइंग आईज है ना तो अब ये डेटा प्रोटेक्शन जो बिल है नया वो सारी चीजों को देखेगा द बिल विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स एंड द बिल एम्स एट बैलेंसिंग द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल डेटा एंड द नीड टू प्रोसेस इट फॉर द लॉफुल तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा बिल uh, किस चीज में एक तो इंडिविजुअल प्राइवेसी को और दूसरा कई बार उनके डेटा का यूज भी किया जाएगा फॉर लॉफुल परपजेस तो उसके बीच तो डेफिनेशन ऑफ डेटा फ्यूडिशरी डेटा प्रिंसिपल एंड डेटा प्रोसेसर आर आउटलाइन विद इन द बिल टू प्रोवाइड क्लाइन क्लैरिटी बिल में ही डेटा फड्यूशरी की डेफिनेशन, डेटा प्रिंसिपल की डेफिनेशन, डेटा फिड्यूशरी कौन होता है जैसे कि जो कंपनीज हैं ट्विटर हो गया ये सब हो गया डेटा प्रिंसिपल कौन है हम लोग होंगे गए जब मैं और आप हो गए जो डेटा बना रहे जिनका डेटा आ रहा है, है ना तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन द बिल और जब बिल आएगा तो और ज़्यादा क्लियर क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा अनफेस्ड इंडिया टू होल्ड जी ट्वेंटी इवेंट इन लेह अब इंडिया जो है जी ट्वेंटी इवेंट लेह लद्दाख में भी होल्ड करने की कोशिश करेगा एंड कई कंट्रीज अपोज करती हैं जैसे चाइना अपोज करती है पाकिस्तान अपोज करती है बट ऑब्वियसली बात है सिंस इट्स आर सॉवरनिटी तो हम उसको होल्ड करेंगे ही करेंगे चाहे कोई कुछ भी कहे जी ट्वेंटी के एक बार मेम्बर्स में आपको बता देता हूँ जी ट्वेंटी के मेम्बर्स हैं अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील कैनाडा चाइना यूरो यूरोपियन यूनियन फ्रांस जर्मनी इंडिया इंडोनेशिया इटली जापान मेक्सिको रशिया सऊदी अरेबिया साउथ अफ्रीका साउथ कोरिया टर्की यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ठीक है ना तो दीज जी ट्वेंटी कंट्रीज़ टुगेदर रिप्रेजेंट अराउंड नाइन्टी परसेंट ऑफ़ द ग्लोबल जी डी पी एट्टी परसेंट ऑफ़ द ग्लोबल ट्रेड एंड टू थर्ड ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ठीक है ना तो नाइन्टी परसेंट ऑफ द ग्लोबल जी डी पी एटी परसेंट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड टू थर्ड ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ये रिप्रेजेंट करता है जी ट्वेंटी ये भी आप याद रखिएगा यूजीसी प्लान्स वन वेबसाइट टू लिंक रिक्रूटमेंट अब सारी पैंतालीस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के रिक्वायरमेंट के लिए एक पोर्टल या एक प्लेटफॉर्म बनाने की बात यूजीसी ने कहा है है ना टू मेक द अपॉइंटमेंट्स ईजियर एंड ट्रांसपेरेंट यू जी सी ने ऐसा कहा है ठीक है देखते हैं जब बन जाएगा तो उसका नाम और सब चीज़न डिटेल देख लेंगे बट एज ऑफ नाउ दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन दट वी हैव यू जी सी के लिए आपको पता होगा कि नाइनटीन फोर्टी एट में कमीशन बनी थी आ, एस राधा कृष्णन कमीशन थी ठीक है ना यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन थी आ, एस राधा कृष्ण जी के अंतर्गत तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होना चाहिए और इसी के तर्ज पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नाइनटीन फिफ्टी थ्री में बनाया भी गया था फॉर्मली मौलाना आज़ाद थे तब उस समय उस समय किया गया था फिर 1956 में 1956 में इसको स्टेट्यूटरी बैकिंग दे दी गई थी यूजीसी एक्ट के तहत ठीक है ना तो उन्नीस सौ छप्पन इज़ द ईयर जब स्टेट्यूटरी बॉडी के रूप में यू बनाई गई है ना ग्रांट्स प्रोवाइड करने के लिए एक्रेडिशन के लिए अलग अलग बॉडीज बनाई गई ए आए, हो गया ये सब हो गया है ना तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज़ वेल आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में आप डिस्कस करना चाहेंगे आ... यहाँ पे डिटोर में पंजाब बीवियर ऑफ द आइडियस ऑफ मार्च यहाँ पे ऑथर ने बात की रिसेंटली जो आ, पंजाब में अमृतपाल सिंह जो कि एक सेल्फ स्टाइल्ड सिख एक्सट्रीमिस्ट प्रीचर है आ, उसने किस तरीके से आ, बेसिकली अपने आप को भिंडर वाले की तरह पोज करने की कोशिश की है एंड ऑथर ने यहाँ पे जो एम के नारायण जी इज़ द फॉर्मल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो फॉर्मल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फॉर्मल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल एज वेल तो इन्होंने कहा है कि ही इज़ एक्टिंग लाइक एन इम्पोस्टर नाउ एक्टिंग लाइक ए इंपोस्टर मतलब जो आइडेंटिटी चोरी करने की कोशिश कर करे तो यहां पे अमृतपाल सिंह को एक इमोस्टर से कंपेयर करते ऑथर ने कहा है कि ही इज जस्ट ट्राइंग टू कॉपी द दिंडर वाले एंड ऑथर ने यहाँ पे दो तीन चीजें बताई है पहली चीज कही कि गवर्नमेंट का अगर इन एक्शन रहेगा टुवर्ड्स दिस दैन दैट विल भी डेंजरस बिकॉज भिंडर वाले का जो केस था नाइनटीन एटी फोर में दैट वॉज ऑल्सो नॉट अ सडन फिनमिना देट वॉज ऑल्सो वेरी स्लो फिनोमिना जो कि धीरे धीरे बढ़ता गया एंड इट बिल्ट बिल्ट अप देयर एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम बैट थिंग एंड नाउ गवर्नमेंट्स इन एक्शन विल बी डेंजरस इन दिस केस आल्सो तो यहाँ पे ही इसको अभी जो सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट को हैंडल करनी पड़ेगी ऐसा आथर ने यहाँ पे पहला पॉइंट कहा है दूसरा पॉइंट आथर ने ये कहा है कि आ, जो आ, चीज़ें हैं इंटेलिजेंस है उसका बहुत बड़ा रोल है इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और आ, कोई भी अगर मतलब आगे थ्रेट आती है तो ना केवल इंडियन इंटेलिजेंस को बल्कि जो फॉरन जो फ्रेंड फ्रेंड नेशन है इंडिया के उनको भी इंटेलिजेंस दे करके आ, मदद करनी पड़ेगी और ऐसी चीज़ें जैसे यूके में हुआ वहाँ पर हमारी एम के साथ हुआ आ, अमेरिका में हुआ तो इस तरीके की चीज़ें मतलब फ्यूचर में ना हो ना रिपीट हो इस कारण से इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तीसरा पॉइंट ऑथर नहीं ये कि जो जो खालिस्तान थ्रेट है रेडिकल खालिस्तानी थ्रेट है इसके बारे में नेशंस जो है वर्ल्ड की वो नहीं जानते हैं मतलब बहुत ज्यादा वो अवेयर नहीं है कि कितना ज्यादा ये भी एक तरीके का टेररिस्ट वही है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है किस तरीके से ये भी एक तरीके से पूरा टेरर टेरर ही फैलाने का काम कर रहे हैं है ना अंडर द द गार्ब गार्ब ऑफ ऑफ अंडर स्टेट लव और स्टेट नेशनलिज्म तो इस तरीके से तो ऑथर ने वही कहा है कि जो खालिस्तानी थ्रेट है रेडिकल खालिस्तानी थ्रेट इसके बारे में

तो अभी सत्रह सत्रहवीं लो, लोकसभा है विच इज़ एंटरिंग द फाइनल ईयर इट हैज़ फंक्शन फॉर ओनली टू थर्टी सिटिंग डेज सो फार अभी तक केवल दो सौ तीस सिटिंग डेज ये बैठी है एंड ऑफ ऑल द लोकसभा दैट हैव कम्पलीटेड टिल नाउ जिसमें सोलह लोकसभा हो चुकी हैं फुल फाइव द दिक्सटीनथ पहले अभी तक सिक्सटींथ लोकसभा में सबसे कम दिन थे थ्री थर्टी वन एंड अभी चूँकि केवल अभी एक ही साल बचा हुआ है एंड फिफ्टी एट एवरेज सिटिंग डेज रहे हैं इस गवर्नमेंट के तो बड़ा मुश्किल है कि ये सौ से ज़्यादा दिन कर पाएगी क्योंकि फिफ्टी एट डेज इसके नेचुरल नॉर्मल रहे तो दो सत्तर ही कर पाएगी तो इस कारण से ये हो सकता है दिस इज़ प्रॉबेबल दैट सेवेंटी लोकसभा इज गोइंग टू द शॉर्टेस्ट सिंस नाइनटीन अदरवाइज इसके पहले सिक्सटीनथ रही है तीन दिन सऊदी अरेबिया क्वेस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि सऊदी अरेबिया जो है अपने आप को एक एक रीजनल प्लेयर एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता है अपने अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहता है और एक नए रीअलाइनमेंट्स नए जो रीअलाइनमेंट्स हैं वो करना चाहता है इसी कारण से शायद उसने चाइना के मीडिएशन के अंतर्गत ईरान के साथ फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करने की कोशिश की अभी रशिया के मीडिएशन के अंतर्गत वो सीरिया के साथ भी फ्रेंडली रिलेशन करना चाहता है ठीक है ना तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अब हो सकता है कि बहुत जल्दी सीरिया जो है वो अरब लीग का पार्ट बन जाए है ना सीरिया भी बहुत जल्दी अरब लीग का पार्ट बन जाए और ये सऊदी अरेबिया बेसिकली अपने सारे अगर आप देखें रिलेशन नॉर्मलाइज करना चाहता है ईरान वाला हो गया हाउदी रेबल्स के साथ अभी उसने वॉर को खत्म करने के लिए डिमांड की है और हाउदी रेबल्स के साथ भी वो वो करना चाहते ऑब्वियस यही बात है जब भी किसी कंट्री को अपनी इकोनमी को इम्प्रूव कर इनफैक्ट अगर आप देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना कि हम लोग को कोई चीज़ मतलब हम लोग को लगता है कि एवरी थिंग इज़ अ को बट इट इज़ नॉट अगर आप देखें तो पूरा का पूरा का अगर आप फु, फु, फुटबॉल वर्ल्ड कप देखें वो हुआ कतर में है ना दैट वॉज़ अ मिडल ईस्टन इसी तरह का नेशन है ठीक है ना कतर बिल्कुल इसका पार्टनर भी है अगर आप अभी देखें कोशिश कर रहा है सऊदी अरेबिया ये लगा हुआ है कि दो हज़ार छब्बी ये दो के बाद का जो वर्ल्ड कप है ये आगे के एक दो वर्ल्ड कप ये यहाँ पे कंडक्ट करना चाहें सऊदी अरेबिया में कन्डक्ट करना चाह करना चा, कराना चाहते हैं इनफैक्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो ट्रांसफ़र है फ्रॉम यू मैनचेस्टर यूनाइटेड टू सऊदी लीग अब वो कहाँ खेल रहा है सऊदी लीग में खेल रहा है एंड कोशिश ये की जा रही है कि लिनल मेसी को भी uh, सऊदी लीग में बुलाने की जाए कितना भी पैसा लग रहा है तो ये सारी चीज़ें They are not coincidence. They are not happening as a part of coincidence, but is a very, uh, very big plan of Saudi Arabia to transform its economy, to transform its uh, soft power. अपने आप को project कर रहा है. In fact, अगर आप IPL देख रहे हों अभी, तो IPL में एक ad आता है visit Saudi, है ना? और सारे commentator सुनिए सब बीच-बीच में आपको बोलेंगे Saudi visit करिए, Saudi visit करिए. तो एवरी थी दिस दीज आर ऑल थिंग्स आर नॉट कॉन्फिडेंसिस है ना दे आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ प्रॉपर स्ट्रेटजी ऑफ सऊदी अरेबिया टू प्रोजेक्ट इट्स सेल्फ एज अ पावर टू प्रोजेक्ट इट सेल्फ एज अ रीजनल पावर एंड देखेगा मेरे हिसाब से आठ दस सालों के बाद सऊदी अरेबिया विल भी वन ऑफ वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन टू विजिट एन ऑल है ना अभी जो इसकी इमेज है उसकी बिल्कुल अपोजिट इमेज बनने वाली क्योंकि अब अब आप देखें आकाश चोपड़ा बोल रहे हैं भाई सऊदी अरेबिया जाओ है ना सौरभ गांगुली बोल रहे हैं सऊदी अरेबिया है जाओ जहीर खान बोल रहा है सऊदी अरेबिया जाओ है ना वाई वाई दीज थिंग्स आर है आपको बताया ठीक है ना तो थिंग्स बिहान द रियलाइनमेंट क्यों सऊदी अरेबिया अचानक से ईरान के पास चला गया क्यों अचानक से हाउदी रेबल्स से बोल रहा है कि भाई दोस्ती कर लो क्यों अरब आ, लीग में सीरिया को इंट्री करने की बात कह रहे हैं क्यों क्रिस्टाना रोनाल्डो वहाँ गया क्यों लियन एल मेसी के लिए लगे हुए हैं वो लोग है ना तो दीज थिंग्स आर बेसिकलीपनिंग अंडर अपल स्टैब्लिड प्लान तो ये सऊदी अरेबिया के आप मैप देख सकते हैं जिसमें यमन नीचे है ओमान है यहाँ पे यूएई आप दिख रहा होगा बॉर्डर में कतर आपको दिख ही रहा होगा है ना ऊपर आपको ईरान के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है तो ईरान रहा ईरान है इराक है है ना ईरान के साथ तो डायरेक्ट नहीं है लेकिन है सीरिया ऊपर है इसके साथ जॉर्डन है यहाँ पर फिर ये सारे मंबर कंट्रीज़ हैं आप देख सकते हैं बॉर्डर किन के किनके साथ हैं आप मुझे बता सकते हैं कमें, कमेंट सेक्शन में ठीक है ना दीज आर द थिंग्स वीच आर हैपनिंग देयर एक और चीज़ है देखो यहाँ पे सऊदी अरेबिया का किस तरीके से बैलेंस कर रहा है ग्लोबल पावर्स में तो रशिया के साथ कैसे कर रहा है तो रशिया के साथ ऐसे कर रहा है कि ओपेक प्लस को रिफ्यू मतलब ओपेक प्लस के साथ है सपोर्ट करता है ये ठीक है ना यूएस के साथ भी है है ना यूएस के साथ भी अलग अलग डील्स है जैसे इसराइल के साथ वो अपने टाइज नॉर्मलाइज़ करना चाहता है चाइना के साथ कैसे कर रहा है ट्रेड एंड डिफेंस को ऑपरेशन बढ़ा रहा है ईरान के साथ डील की है इसने अभी चाइना के मेडिएशन में ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग आई होप यू गॉट क्लैरिटी आगे मूव करते हैं एक मीटिंग थी अभी Uh, जिसको बोलते हैं द मीटिंग वॉज अ पार्ट ऑफ अ मिशन डेफ स्पेस मिशन डेफ स्पेस अंडर विच अंडर अंडर दिस मिशन सेवेंटी फाइव चैलेंजेस हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर डेवलपमेंट बाय द इंडस्ट्री है ना मीडिया डिफेंस से रिलेटेड सेवेंटी फाइव चैलेंजेस हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है मिशन डेफ स्पेस के अंतर्गत मिशन डेफ स्पेस के अंतर्गत तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा है ना uh, उसी के अंतर्गत अभी हमारे सी डी एस बात भी कर रहे थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ IMD predicts normal monsoon as El Nino effects loom large this year. अब यहाँ पर ऑथर ने बताया कि जो आईएमडी है उसने कहा है कि नॉर्मल मॉनसून रहेगा कल स्काई मेट ने कहा था कि बिलो नॉर्मल रहेगा यानी कि 94 परसेंट उन्होंने कहा था कि लॉन्ग पीरियड एवरेज का 94 परसेंट कल मैंने ये न्यूज़ एनालिसिस बनाई थी हालांकि मैं डालना भूल गया था इस कारण से मुझे रात में डालना पड़ा था बना तो मैंने दिन में ही दी थी लेकिन मैं डालना भूल गया था उसको वीडियो को तो कल स्काई मेट ने कहा था जो कि प्राइवेट ऑब्जर्वेशन करती है तो उसने कहा था कि नाइन्टी होगा यानी बिलो नॉर्मल और अब आज आई ने अपना है प्रोडिक्शन कि नॉर्मल होगा ना कि 96 परसेंट एक्जैक्टली होगा नाइन्टी सिक्स परसेंट ऑफ द एल पी ए मैंने आपको कल भी बताया था कि नाइन्टी सिक्स परसेंट ऑफ़ द एल पी ए मतलब कि नॉर्मल नाइन्टी सिक्स परसेंट ऑफ़ द एल पी ए से कम मतलब कि बिलो नॉर्मल नाइन्टी सिक्स परसेंट से वन हंड्रेड एंड फोर परसेंट तक मतलब अबव uh, नॉर्मल और वन हंड्रेड एंड फोर परसेंट से ज़्यादा मतलब कि एक्सेस ठीक है ना तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर टू रिमेंबर एल पी ए लॉन्ग पीरियड एवरेज जो लिया गया है वो नाइनटीन सिक्सटी वन से टू थाउजेंड टेन लिया गया है और इसकी जो वैल्यू आती, आती है एट्टी एट सेंटीमीटर आती है हालांकि आज हिंदू ने एटी सेवन सेंटीमीटर लिखा है Thirty-eight centimeter is the uh, value which is their Long period average. ठीक है ना अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्यों आ, क्यों नॉर्मल मानसून मौ, होगा इवन आफ्टर एल् नो तो so, दो रीजन यहाँ पे आईएमडी ने दिए हैं पहला रीजन दिया है इंडियन ओशियन डाइपोल है ना इंडियन ओशियन डाइपोल अब मैं आपको इंडियन ओशियन डाइपोल बता दूँ इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है आ, दो जगह का टेम्परेचर लिया जाता है डाइपोल है मतलब दो पोल्स हैं दो जगह का टेम्परेचर है एक है वेस्टर्न पोल जो कि अरेबियन सी में आता है दूसरा मतलब वेस्टर्न इंडियन ओशियन आता है एंड एक है ईस्टर्न पोल जो कि ईस्टर्न इंडियन ओशन आता है या इंडोनेशिया वाला पार्ट है ठीक है ना तो बस इतना याद रखेगा कि एक तो वेस्टर्न पोल है जो कि अरेबियन सी में वेस्टर्न इंडियन ओशन है और एक दूसरा पोल जो है वो ईस्टर्न इंडियन ओशन में है यानी इंडोनेशिया वाला पार्ट है तो यहाँ पे जब तीन फेजेज होते हैं इंडियन ओशन डाइपोल के पॉजिटिव फेज न्यूट्रल फेज एंड निगेटिव फेज

स्नो कवर इन यूरेशिया जब भी यूरेशिया में स्नो कवर कम रहेगा वी विल सी गुड रेनफॉल याद रखेगा जब भी स्नो कवर कम रहेगा इट इज फेवरेबल फॉर द मॉन्सून इन इंडिया दी ये आप नोट कर लीजिए लिख लीजिए मेन्शन है मैं आपको दो डायग्राम दिखा देता हूँ यहां पर एक तो पहले एलिनो समझ लो एलिनो में क्या होता है देखो एलिनो uh, फेज़ में क्या होता है जो uh, ये वार्मर देन नॉर्मल जो साउथ अमेरिका वाला पोर्शन है यानी कि यहाँ पे पेरू वाला जो पोर्शन है वो वार्मर देन नॉर्मल हो जाता है उसका जो कोस्ट है वो ज़्यादा गर्म रहता है है ना ये ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं ये ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं इस कारण से हीट यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो पाती ठीक है ना तो ये वाला पार्ट गर्म हो जाता है और ये वाला पार्ट ठंडा रह जाता है इस कारण से पूरी बारिश यहाँ हो जाती है ठीक है ना तो इसको याद रखेगा पहली चीज़ तो ये है दूसरा जो लालीना फेज है लालीना फेज में क्या होता है लानीना फेज में आपका यहां वाला पार्ट गरम हो जाता है ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट गरम हो जाता है इस कारण से यहां पे फिर अच्छी बारिश होती है ठीक है दूसरा मैं आपको दिखाना चाहता था जो मैं वही है इंडियन ओशियन डाइपोल का पॉजिटिव फेस तो यहाँ पे हमने देखा जो अरेबियन वाला पोर्शन है और ये इंडोनेशिया वाला पोर्शन है तो अरेबियन मैंने कि वेस्टर्न वाला पोर्शन जब वेस्टर्न इंडियन ओशियन का पोर्शन है वो ज्यादा गर्म हो जाता है जब वो वेस्टर्न इंडियन ओशियन का पोर्शन गर्म रहेगा तो ये पॉजिटिव फेज ऑफ आई uh, कहलाएगा ठीक है ना आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल आपको समझ में आ गया होगा आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है So, you can move ahead with me. So, that is it for the day, friends. I hope you liked the video. Please like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you, have a nice day.